फिल्म दर्शन जो नियम है ताक है, नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, नियमों को ताक पर रखकर काम कर रहे हैं और इसको लेकर मलेटा गांव के जो लोग हैं एकजुट हो गए हैं और साथ ही साथ हल्ला बोल इस वक्त स्टोन क्रशरों के खिलाफ मलेटा ग्रामीणों की ओर से उसका आगाज कर दिया गया है और ग्रामीणों ने अब मांग की है कि सरकार को स्टोन क्रशरों पर शासन आदेश जारी करना चाहिए। ग्रामीणों ने 3 सूत्रीय अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री हरीश रावत को पत्र भेजा है और उनसे मांग की है कि शासन आदेश जारी कर दे, स्टोन क्रशरों को जो अनुमति दी गई है उसे निरस्त कर देना चाहिए और एक शासन आदेश जारी करना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ शूरवीर सिंह बिष्ट हैं, मलेटा गांव के गांव प्रधान हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शूरवीर सिंह बिष्ट साहब, आपसे जानना चाहेंगे मलेटा गांव में ये जो स्टोन क्रशरों का विरोध हो रहा है, अब ताजा हालात क्या है, अभी तक ये मामला कहां तक पहुंचा? हेलो जी बिष्ट साहब, मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? आगे आगे आपसे जानना चाहेंगे बिष्ट साहब, जो गांव वालों का मलेटा गांव वासियों का विरोध है स्टोन क्रशरों के खिलाफ, अब तक ये मामला कहां पहुंचा है, ताजा जानकारी क्या है इस मामले पर? मामला तो ऐसा कैबिनेट मंत्री ने उन्होंने कहा कमेटी देखिए मलेटा में और जल्द से जल्द निरस्त किए जाएंगे, ताजा सतर्क निरस्त किए जाएंगे जी। और पूरा विश्वास मुख्यमंत्री है हमारे कि वो भी चाहते हैं मलेटा एमपी जाएंगे, यहाँ पे किसी भी समय स्टोन क्रशर नहीं चलाए जाएंगे। हाँ बिष्ट साहब, आप एक गांव प्रधान है, गांव प्रधान होने के नाते आपकी ओर से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है इस मुद्दे को लेकर? हमारी तरफ से लगातार यहाँ पे शासन पे हमने दबाव बनाया हुआ है और पूरे ग्रामीण आंदोलन की तरफ है और यहाँ पे जारी है और हमने विधि घोषणा कर दी है कि अगर बीस तारीख तक और शासन से विनती आ जाते हैं और मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ पे तो यहाँ पे अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया जाएगा। विश्वा मैम, आपको ठीक से नहीं सुन पाए, एक बार आप फिर से दोहरा दीजिए जो अभी आपने कहा है, आपके ओर से अपने स्तर पर क्या कुछ कार्रवाई हुई है? इससे जो कार्रवाई बजाकर हमने डेढ़ का प्रयोग किया है इसमें और डीएम ने भी जन जागरूकता दी है कि जल्द से जल्द कमेटी बनाई जाएगी और उसमें जांच जी। अगर उस तब तक भी ये मामला ऐसे ही लंबित पड़ा रहा तो क्या कुछ आने वाले समय में नीति रहेगी आप लोगों की?